आज की वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ कि बिना पैसे के बिजनेस कैसे शुरू किया जा सकता है। और मैं कोई हवा में बातें नहीं करने वाला, जो कुछ भी बताऊंगा बिल्कुल प्रैक्टिकल चीजें बताऊंगा जिसे कोई भी इंसान आसानी से कर सकता है। लेकिन आसानी से मेरा मतलब ये बिल्कुल भी नहीं है कि आपको बस एक ऐप डाउनलोड करनी है और आपके पास पैसा आने लगेगा। ऑफ कोर्स आपको बहुत सारी मेहनत करनी पड़ेगी, अपने दिमाग को बहुत ज्यादा यूज करना पड़ेगा और सबसे इम्पोर्टेंट आपको पेशेंस रखना होगा, जो कि मुझे पूरा विश्वास है कि आप कर सकते हो, तभी आपने इस वीडियो को क्लिक किया है। तो यार आप हमारे चैनल द योगी को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि हम आपके लिए ऐसी वीडियोस लाते रहते हैं जो आपको लाइफ में आगे बढ़ने में हेल्प करेगी। इस वीडियो को हम 3 पार्ट में डिवाइड करेंगे। पहला पार्ट जिसमें हम समझने वाले हैं कि बिजनेस का असली मतलब क्या होता है, और दूसरा पार्ट जिसमें मैं आपको बताऊंगा कि आप बिल्कुल 0 रुपए में खुद का बिजनेस कैसे कर सकते हो, और तीसरा पार्ट जो कि सबसे इम्पोर्टेंट है जिसमें मैं आपको बताऊंगा कि आप अपने बिजनेस से लाखों करोड़ों रुपए कैसे कमा सकते हो। पार्ट 1, सबसे पहले हमें इस बात को समझना होगा कि आखिर बिजनेस का असली मतलब होता क्या है। और जब आप इस चीज को समझ जाओगे तो यकीन मानिए आप 20% बिजनेसमैन बन चुके होंगे। इसे समझने के लिए हम 2 तरह के लोगों का एग्जाम्पल लेते हैं, पहले कुछ बड़े और फेमस बिजनेसमैन और दूसरे सबसे छोटे बिजनेसमैन। सबसे बड़े बिजनेसमैन में आते हैं हमारे इंडिया के मिस्टर रतन टाटा, मिस्टर मुकेश अंबानी, और दुनिया के सबसे अमीर इंसान मिस्टर एलोन मस्क। और सबसे छोटे बिजनेसमैन में आते हैं हमारी गली में पानी पूरी बेचने वाला, सब्जी बेचने वाला और कपड़े बेचने वाला। मुकेश अंबानी और सब्जी बेचने वाले में वैसे तो दिन रात का अंतर है, लेकिन असल में बिजनेस के नजरिए से देखा जाए तो ये दोनों ही बिजनेसमैन है। क्योंकि बिजनेस का असली मतलब होता है लोगों को सर्विस प्रोवाइड करवाना और उसके बदले में कुछ पैसा चार्ज करना। मुकेश अंबानी रिलायंस पेट्रोल पंप से लोगों को पेट्रोल देता है, और सब्जी वाला लोगों को उनकी मनपसंद की सब्जी देता है और उसी बात का उन्हें पैसा मिलता है। यानी सिंपल लैंग्वेज में एक बिजनेसमैन दूसरे लोगों के लिए कुछ ऐसा काम करता है जिसके बदले उसको पैसा मिलता है। अब आपको यह तो समझ आ गया होगा कि असल में बिजनेस का असली मतलब बहुत सारा पैसा कमाना नहीं होता, बल्कि आप यदि एक छोटा सा खुद का काम करते हो, यानी आप एक छोटे बिजनेसमैन हो। अब आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप अपने उस काम को किस लेवल तक बढ़ाने वाले हो, और जितना आप अपने काम को बढ़ाते जाओगे आप उतने ही बड़े बिजनेसमैन बनते जाओगे। और अब आता है हमारा पार्ट 2। अब हमें यह तो समझ आ गया कि बिजनेस का असली मतलब क्या होता है, तो अब हम बात करते हैं कि आप अपना खुद का क्या बिजनेस करोगे और कैसे करोगे, और वो भी बिल्कुल बिना पैसे के। हम सभी के अंदर कुछ ना कुछ टैलेंट होता है। जैसे मैं आपको एक अच्छी एडवाइस दे सकता हूँ, आपको मोटिवेट कर सकता हूँ, और ऐसे ही आप बहुत से लोगों को फॉलो करते होंगे जो आपको इमोशनल कर सकते हैं, आपको हंसा सकते हैं, या फिर आपको कोई भी नई चीज सिखा सकते हैं। आप सारा दिन अपने मोबाइल में असल में क्या करते हो? आप बहुत सारे लोगों की वीडियोस देखते हो, और जब आप उन क्रिएटर्स की वीडियो देखते हो तो उनको पैसा मिलता है, और वो भी महीने के लाखों रुपए। यानी वो एक बिजनेसमैन है जो कि आपका टाइम पास करवाते हैं और इसी बात का उनको पैसा मिलता है। अब सवाल ये आता है कि आप कैसे बिजनेस करोगे, आप कैसे पैसे कमाओगे, वो भी बिल्कुल 0 इन्वेस्टमेंट करके। तो इसका सिंपल सा आंसर है, आपको भी क्रिएटर बनना होगा। और ये जरूरी नहीं कि आपको भी वीडियोस ही बनानी है, आप इंटरनेट पे बहुत सारी चीजें कर सकते हो, जैसे बुक्स लिखना, ब्लॉगिंग, वेबसाइट, फेसबुक पेज और भी बहुत सारी चीजें। और ऐसा नहीं है कि आपने ये सब कुछ पहले कभी ट्राई नहीं किया होगा। हाँ, आपने पहले भी इन कामों को करने की कोशिश जरूर की होगी, लेकिन ज्यादा दिनों तक टिक नहीं पाए होंगे। ऐसा शुरुआत में सभी के साथ होता है, मेरे साथ भी होता था, लेकिन भाई ये बिजनेस है, या हमें एक बिजनेसमैन की तरह सोचना पड़ता है। और जैसा कि मैंने शुरुआत में ही आपको बताया था कि बिजनेस करना इतना आसान नहीं होता है, आपको बहुत सारी मेहनत करनी होगी, आपको बहुत ज्यादा दिमाग का यूज करना होगा, और सबसे मेन चीज आपको पेशेंस रखना होगा। मैं खुद भी कई सारे क्रिएटर्स को फॉलो करता हूँ, उनकी वीडियोस डेली देखता हूँ, लेकिन अगर दिन के 3 घंटे में यूट्यूब पे वीडियोस देखता हूँ तो जब तक मैं 6 से 7 घंटे खुद कुछ क्रिएट नहीं कर लेता, तब तक मुझे लगता है कि मैंने केवल अपना टाइम बर्बाद किया है। और 0 इन्वेस्टमेंट के साथ बिजनेस करने के लिए आपको अपना माइंडसेट ऐसा ही बनाना होगा, क्योंकि जिस काम में आपका पैसा इन्वेस्ट नहीं होता है उसमें हमारी सबसे इम्पोर्टेंट चीज इन्वेस्ट होती है, और वो है हमारा टाइम। और एक अच्छा बिजनेसमैन बनने के लिए अपने पैसे से कई गुना ज्यादा वैल्यू हमें अपने टाइम की करनी होगी। अब सवाल यह आता है कि आखिर मैं बिजनेस क्या करूं? आपके सवाल का जवाब केवल आपके पास है। आप खुद थोड़ी देर के लिए सोच कर देखिए कि ऐसा कौन सा काम है जिसे आप करना पसंद करते हो और लोगों को उसकी जरूरत भी है।
अब आता है इस वीडियो का थर्ड पार्ट, जिसमें आप समझने वाले हैं कि आप कैसे अपने बिजनेस से करोड़ों रुपए कमा सकते हो। कुछ देर के लिए मान लीजिए आप एक बिजनेस स्टार्ट कर चुके हो। एग्जाम्पल के लिए मान लीजिए आपने 3 से 4 महीने कड़ी मेहनत करने के बाद एक ई बुक लिखी है और उसका प्राइस आपने 100 रुपए रखा है। अब जो लोग नॉर्मल होते हैं उनकी नजर में ये एक पागलपंती होगी कि यार 4 महीने मेहनत करके बुक लिखी और उसकी प्राइस केवल 100 रुपए। लेकिन अब आप एक बिजनेसमैन के पॉइंट ऑफ व्यू से सोचिए, आपने 100 रुपए का एक प्रोडक्ट बनाया और 100 लोगों को बेच दिया, यानी आपने 10,000 रुपए कमाए। और अब आपने उसी 100 रुपए के प्रोडक्ट को 1,000 लोगों को बेच दिया, यानी आपने 1,00,000 रुपए कमा लिए। और वही अब मान लीजिए आपको उस प्रोडक्ट की प्राइस 100 रुपए नहीं बल्कि 1,000 रुपए होती और आपने उसे 1,000 लोगों को बेच दिया होता, तो आप खुद अनुमान लगा लीजिए कि एक छोटा सा सही बिजनेस कितने करोड़ों रुपए कमाकर दे सकता है। यानी आप अपने एक बार बनाए हुए प्रोडक्ट से अपनी पूरी लाइफ करोड़ों रुपए कमाने वाले हो। और एक बिजनेसमैन का माइंडसेट ऐसा ही होता है। आप ऐसे कई सारे ऑनलाइन या ऑफलाइन काम करके करोड़ों रुपए का बिजनेस कर सकते हो, बस आपके सोचने का तरीका बदलना चाहिए। लेकिन उसके लिए केवल आपको अपनी सोच को बदलने की जरूरत नहीं बल्कि आपको जी जान लगाकर मेहनत भी करनी होगी। और आपने इस वीडियो को यहाँ तक देखा तो यार मैं आपको स्पेशली बोलना चाहता हूँ कि यदि आप वास्तव में ऑनलाइन पैसा कमाना चाहते हैं तो ऊपर आई बटन में दी हुई वीडियो को जरूर देखना। और यदि आप भी मेरी तरह एक क्रिएटर बनना चाहते हैं, यूट्यूब पर वीडियोस बनाकर पैसा कमाना चाहते हैं, तो आपके मोटिवेशन के लिए मैं एक वीडियो बनाऊंगा जिसमें मैं आपको पूरा डिटेल में बताऊंगा कि मैं अपने यूट्यूब चैनल से कितने रुपए कमाता हूँ। यदि आप ये वीडियो देखना चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में जरूर बताना। और आज की वीडियो से कुछ नया सीखने को मिला तो यार लाइक कर देना, क्योंकि आपके एक लाइक से हमें और वीडियोस बनाने का मोटिवेशन मिलता है। जल्दी मिलेंगे अगली वीडियो में।